खबर मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र की हिडन नदी में पुल निर्माण की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य विकास शर्मा और गांव के दर्जन किसान भी हिडन नदी में ही धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि सर्दी का जनवरी माह चल रहा है और ठंड अपने चरम स्तर पर है। इस कड़कड़ाती ठंड में नदी में बैठकर विकास शर्मा ने ग्रामीणों की समस्या की आवाज उठाई। विकास शर्मा ने कहा कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों के कार्यालय में पहुंचे और समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि इस हिडन नदी से होकर ही सभी किसान अपने खेतों तक जाते हैं। यहाँ के किसानों की काफी लंबे से समय से मांग रही है कि इसको बना दिया जाए, लेकिन शासन और प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। वहीं शर्मा का कहना है कि जब तक यह पुल नहीं बनेगा हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण एवं महिलाएं भी मौजूद रहे। आज ग्राम सिकंदरपुर में ग्रामवासियों के साथ हम लोग नदी में धरने पर बैठे हैं पानी के अंदर ही, क्योंकि पूरे ही गांव की समस्या है कि गांव में जो शमशान घाट है, जो गांव के खेत की जमीन है बोने की, वह नदी पार है। इन सब लोगों को यहां पर नदी के अंदर को होकर गुजरना का पड़ता है। पिछले 3 साल से हम लोग लगातार ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को ऑफिस में जाके सबको अवगत करा, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आने की जहमत उठा रहा है। इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ सब धरने पर जल में पानी के अंदर ही बैठे हुए हैं, और जब तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं होगा हम लोग यहाँ से धरने पर से नहीं उठेंगे। चाहे हमें यहाँ मरना पड़े, चाहे जीना पड़े, जो भी कुछ होगा इस सब का जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा। मैं विकास शर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन।